एक और बड़ी खबर, जेजेएम घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का बयान और कहा कि मोदी जी हर घर नल पहुंचाकर राजस्थान को राहत देना चाहते थे, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार ने जेजेएम जैसी योजना तक को अपने दानवी लालच में नहीं बख्शा था। घोटाले की हद पार हो गई थी, जहां जिन पैसों से गांव और गरीब के घर नल से जल दिया जाना था, वहां लॉकर से नकदी व सोने की बरसात हो रही थी। लेकिन अब इस मामले में ईडी एसीबी के बाद सीबीआई ने भी केस दर्ज कर लिया है। प्रदेश की जनता के हक अधिकार को लूटने वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की लूट और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई तय है। प्रदेश की भजनलाल सरकार में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं है, ये कहना है मंत्री जी का। बयान सामने आ गया है, एक बार फिर से आपको सुना देते हैं। दरअसल कन्हैया लाल चौधरी जो कि जलदाय मंत्री है, उनका बयान सामने आया है कि मोदी जी ने हर घर नल पहुंचाकर राजस्थान को राहत देने की कोशिश की थी, लेकिन पिछली सरकार कांग्रेस की थी। उन्होंने कांग्रेस सरकार ने जेजेएम जैसी योजना तक को अपने दानवी लालच में बख्शा नहीं था। और जिस तरीके से मामला सामने आया, जल जीवन मिशन को लेकर कई तरह की बातें हुई और चुनावी मुद्दा भी बना, और ये कहा गया था बीजेपी की सरकार की तरफ से अगर उनकी सरकार आती है तो सीबीआई जांच की जाएगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा, फिर चाहे कोई मंत्री हो या फिर कोई एसीएस हो, हर कोई अगर इसमें लिप्त है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचारी या बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे पेपर लीक मामला हो या फिर जल जीवन मिशन मामला हो। तमाम धीरे धीरे हर एक गारंटी, हर एक बात, हर एक मुद्दे, हर एक दावे जो है वो पूरे करने की कोशिश बीजेपी यहां करती हुई नजर आ रही है। सीबीआई जांच की बात उन्होंने कही थी और अब सीबीआई जेजेएम घोटाले की जांच करेगी, यानी कि एक बार फिर से हर एक परत खुलती नजर आएगी, हर एक तस्वीर जो है आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से कार्रवाई सीबीआई इस पूरे मामले में करेगी। नरेश शर्मा एसोसिएट एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस खबर पर, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं अपडेट के लिए। नरेश जी, पहले भी आपने विस्तार से जानकारी दी थी, लेकिन अब जलदाय मंत्री का भी बयान आ गया है, बड़ी बात, अहम बातें उन्होंने कह दी है और सीधा आरोप जो है वो पूर्ववर्ती सरकार पर लगा दिया है। जब नई सरकार बनी थी और जलदाय विभाग की जिम्मेदारी कन्हैयालाल चौधरी को मिली थी, तब भी उन्होंने जब हम बात की थी हमसे, तब ये कहा था कि अभी ईडी और जो एसीबी है वो जांच कर रही है और जरूरत पड़ी तो सीबीआई से भी इसकी जांच कराएंगे। तो यही हुआ है अब, और सीबीआई को चूंकि मामला गया है तो ऐसे में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय यह घोटाला हुआ था और जिसमें जनता को नल से पानी पहुंचाना था, वहां जो है वो कह सकते हैं भ्रष्टाचार की नदियां बही थी। अब उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इसकी जांच है वो निष्पक्षता से होगी, आगे बढ़ेगी और जो भी दोषी थे, चाहे कोई भी दोषी हो, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, ठेकेदार हो, गैर सरकारी लोग हो या जिनकी मिली भगत रही हो, उन सब पे कार्रवाई होगी और जो भी घोटाले के आरोपी है उनकी पूरी जो है पड़ताल की जाएगी और उसके बाद दोषियों को सजा भी मिलेगी। लेकिन ये सही है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, इतना बड़ा जो घोटाला होता है उसमें किसी एक अधिकारी या किसी एक व्यक्ति के कारण ये नहीं हो सकता, एक पूरा सिस्टम काम करता है और इस सिस्टम पे अभी तक प्रहार नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी जिन अधिकारियों पे लगातार आरोप लगे हैं वो अभी भी बड़े पदों पे हैं, वो अभी भी जलदाय विभाग के कह सकते हैं धनी दोरी है, तो ऐसे में उन पे किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। जो कुछ गैर सरकारी लोग थे जिन पे ये कहते थे कि ये लाइजनिंग करते हैं ठेकेदारों अधिकारियों के विभाग के बीच, तो उन पे भी भले ही छापा पड़ा हो लेकिन कोई गिरफ्तारी या कोई बड़ी पूछताछ कोई इस तरह की अभी तक जिसमें कोई और आगे कड़ी से कड़ी जुड़ी हो इस तरह की बात सामने नहीं आई। हालांकि एसीबी ने शुरुआती कार्रवाई की थी लेकिन उसके बाद एसीबी ने भी हाथ पे हाथ धर लिए थे। ईडी ने इस मामले में काफी छापेमारी की थी, कई जगह छापे मारे थे, नकदी भी मिली थी, सोना भी मिला था, कुछ लोगों से पूछताछ भी की थी, लेकिन अभी भी ये लग रहा था कि जो कार्रवाई होनी चाहिए थी इस पूरे मामले में, गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी, सजाएं मिलनी चाहिए थी, वो इसमें नहीं हुई और एक तरह से मामला ठंडा पड़ता नजर आ रहा था। लेकिन अब चूंकि जिस तरह पहले भी प्रदेश के बिल्कुल अब जिस तरीके से कार्रवाई होगी और फिर से जांच शुरू होगी, इंतजार रहेगा उस जांच का भी, क्योंकि मानकर चले कि किसी ना किसी की धड़कनें जो है वो तेज हो गई होगी कि फिर से परतें खुलती जाएगी और कई नाम फिर से सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, जानकारी लेंगे नरेश जी।